स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बीएचपी और टॉर्क की। आपने कई बार सुना होगा कि इसमें इतनी बीएचपी आती है, या आपने खुद ही की कार ली होगी तो उसमें भी लिखाया होगा कि कार इतने सीसी की है, इसमें इतना बीएचपी और या फिर इतना एचपी और इतना टॉर्क मिला है। हालांकि बीएचपी और एचपी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन बीएचपी और हॉर्स पावर में क्या फर्क होता है, या वो कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क को बड़ी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स। अब जो भी जैसे इंजन होता है ना, तो अब आप वो मान लीजिए जैसे कि एक नट लगा हुआ है, नट नट जो होता है, आप उसमें जब रिंच से उसको घुमाएंगे तो जो घुमाने की उस पर फोर्स लग रही है ना, उसको ट्विस्टिंग फोर्स कहेंगे। और उस ट्विस्टिंग फोर्स को कार्स की भाषा में, या वैसे भी आप कह सकते हैं, उसको उसमें टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का साफ सीधा सिंपल आपको मीनिंग बताऊं तो उसका होता है, टॉर्क का मतलब हो गया ट्विस्टिंग फोर्स। अब इसे रिलेट करते हैं कि आरपीएम जो होता है, कार में लिखा आता है आरपीएम, आरपीएम इंटू 1000, इसका क्या होता है मतलब। तो आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। अभी जो आरपीएम आपको दिखाते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 या पेट्रोल की गाड़ी में ज्यादा रेंज तक होता है, 7 से 8 तक आपको मिल जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये होता है इसका मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। ये स्पीड बताता है आपके जो इंजन है उसकी। कभी भी इसको कंफ्यूज मत करना जो कार के टायर्स होते हैं, ये इसका रेवोल्यूशन पर मिनट ये टायर्स की नहीं बताता, ये बताता है रेवोल्यूशन पर मिनट जो इंजन की स्पीड होती है। ये रेवोल्यूशन पर मिनट इंटू 1000 इसकी स्पीड है। मतलब आप 1000 रुपये रखेंगे तो उसका एक मिनट में 1000 रेवोल्यूशन, 1 into 1000, मतलब ये सारे 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे हैं। तो रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब कि एक मिनट में, अगर आपकी गाड़ी 1000 आरपीएम पे या 2000 आरपीएम पे है तो वो एक मिनट में 2000 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी आपकी इंजन, आपका टायर नहीं, आपका इंजन कंप्लीट करेगा। कभी भी आरपीएम और टॉर्क को कंफ्यूज मत करना। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, और टॉर्क जो होती है वो ट्विस्टिंग फोर्स होती है। मतलब जैसे कि मैंने आपको जो नट और रिंच का आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें नट को घुमाने के लिए आप रिंच पर जो फोर्स लगा रहे हो उसको टॉर्क कहेंगे, और जितनी स्पीड से वो घूमेगा उसको आरपीएम कहेंगे। साफ भाषा में आप ये समझिए। अब हम समझते हैं हॉर्स पावर के बारे में। तो हॉर्स पावर क्या होता है, आप बस सिंपल सिंपल इतना समझिए कि हॉर्स पावर आरपीएम और टॉर्क के बढ़ने पर हॉर्स पावर बढ़ेगा, और आरपीएम और टॉर्क के घटने पर हॉर्स पावर घटेगा। हॉर्स पावर इन द मतलब सबसे अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जैसे पावर कहते हैं ना, हालांकि पावर दोनों को मिला के और सब चीजें मिलाकर जो आउटपुट होता है उसको पावर बोलते हैं, लेकिन ठीक है आप हॉर्स पावर को वही समझिए। एक्सेलरेशन जितना हॉर्स पावर अच्छा होगा ना, जितनी ज्यादा हॉर्स पावर होगी कार की उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन और स्पीड होगी कार की, आप ये समझिए। और एक इसका फॉर्मूला भी आता है हॉर्स पावर का। हॉर्स पावर का आपको फॉर्मूला शायद पता हो शायद ना पता हो, लेकिन इसका आपकी वैसे नॉर्मल लाइफ में कोई यूज नहीं है। तो हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हॉर्स पावर इज इक्वल टू आरपीएम इनटू टॉर्क डिवाइडेड बाय 5252। इससे हॉर्स पावर निकलती है कार की, लेकिन इसका आपकी जो है नॉर्मल लाइफ में कोई यूज नहीं है। तो आप उस पे इतना मत जाइए फॉर्मूले पे, बस आप आसान भाषा में ये समझिए कि हॉर्स पावर क्या होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि हॉर्स पावर जो होता है वो आरपीएम और टॉर्क के बढ़ने पर बढ़ता है और उसके घटने पर घटता है। अब टॉर्क का क्या, तो टॉर्क भी क्या आरपीएम के बढ़ने पर बढ़ेगा और घटने पर घटेगा, तो नहीं ऐसा नहीं है। टॉर्क का क्या सीन होता है कि टॉर्क ना एक सर्टन आरपीएम तक बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 3000 आरपीएम तक टॉर्क बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेगा, लेकिन 3000 के बाद वो कम होते जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऐसी होता है, एक सर्टन पॉइंट जब आरपीएम होता है ना तो उस आरपीएम तक ही टॉर्क बढ़ता है, उस आरपीएम के बाद टॉर्क भी घटने लगता है। आपने देखा होगा जो कार की रीडिंग्स आती हैं वो कैसे आती हैं, कि जैसे 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट द रेट 4000 आरपीएम या ऐसे समथिंग। तो वो जो आरपीएम दे रखा होता है ना, वो उस पॉइंट ऑफ आरपीएम पे पीक पर होता है, मतलब उस आरपीएम पे वो सबसे ज्यादा होता है। तभी कहते हैं जैसे 215 न्यूटन मीटर 115 न्यूटन मीटर टॉर्क एट द रेट 4000 आरपीएम, तो 4000 आरपीएम पे ही वो अपना पीक टॉर्क होगा, उससे पहले भी वो कम होगा, उसके बाद भी वो घटने लग जाएगा।
तो उस टाइम पे जो दे रखा होता है वो आप मान के चलिए कि वो उसका पीक टॉर्क है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कार जो है 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। आप कहें कि आरपीएम अगर बढ़े तो उसके साथ हॉर्स पावर भी बढ़े, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कार्स में ना, मतलब आप देखोगे कि जैसे वो हायर आरपीएम पे चले जाते हैं तो उनमें थोड़ा लैग आ जाता है। अब वो क्या रिलेशन है, जैसे कि आप ये भी देखोगे डीजल कार्स में भी 5 से 6 तक की रीडिंग होती है, वहीं आप पेट्रोल गाड़ी में चले जाओ तो वहाँ 7 से 8 की रीडिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटे इंजन होते हैं ना, जितना छोटा इंजन होगा, ये आपने तो नॉर्मल लाइफ में भी नोटिस किया होगा, जितना छोटा इंजन होता है उतनी ज्यादा उसकी ना आरपीएम की पावर होती है। जितना छोटा इंजन होगा वो उतनी जल्दी, उतनी तेज वो आरपीएम की स्पीड पकड़ पाएगा, उतनी जल्दी आरपीएम पे वो घूम पाएगा। जितने बड़े इंजन होते हैं ना वो उतने ही कम आरपीएम पे घूम पाते हैं, लेकिन उनमें टॉर्क ज्यादा होता है। ये आप बात समझिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आपके घर में अगर बाइक होगी, बाइक का आप कभी आरपीएम मीटर देख रहा, बाइक का आरपीएम मीटर हमेशा 12, 13, 13, 14 तक जाता है। 13, 14 आरपीएम पर मिनट, मतलब 13, 14 रेवोल्यूशंस पर मिनट। कार की आप देखेंगे डीजल की, हमेशा तो वो 5 से 6 तक मैक्सिमम जाती है, 7 तक, इतने पर रेवोल्यूशन पर मिनट। पेट्रोल में आप देखेंगे तो वहां क्या जाएगी, 7 से 8 हजार रेवोल्यूशन पर मिनट। हालांकि वो उतना भी नहीं घूम पाते हैं, वो बस देर रेखा होता है, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि जितने छोटा इंजन होगा ना उसकी उतनी ज्यादा आरपीएम पावर होगी, इतना ही वो ज्यादा तेज घूम पाएगा, और जितना बड़ा इंजन होगा उतना ही वो कम स्पीड में घूम पाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर इंजन सेम सीसी का है तो उसमें उतनी ही आरपीएम होगी, उसमें उतनी ही पावर होगी और उतना ही टॉर्क होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे ये है फोर्ड फ्रीस्टाइल 1.5 लीटर डीजल इंजन है, इसमें इसमें जो है बीएचपी कितनी आती है, इसमें आती है 100 बीएचपी या 99 बीएचपी आप कह सकते हैं, 99 या 100 बीएचपी, और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं आप सेम अगर क्रेटा या उसमें चले जाए किया में, तो उनमें तो सेम इंजन ही आता है। अगर उसको आप कंपेयर करेंगे, वो भी 1.5 लीटर डीजल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करेगा 113 बीएचपी और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और आपको अगर याद हो तो पहले ना एक वो आती थी माइक्रा, निसान की माइक्रा आती थी, अब तो शायद डिसकंटिन्यू हो गई है, तो उसका अगर आप डीजल इंजन की आप फिगर्स देखते ना, तो उसकी कहीं ना कहीं फिगर्स कुछ ऐसी थी कि उसमें ना 65 बीएचपी थी, 65 बीएचपी और करीब 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ऐसा कुछ था उसकी फिगर्स। तो आपको मैंने ये परफेक्ट एग्जांपल दे दिया कि अगर इंजन भी सेम कैपेसिटी का है या सेम सीसी का है तो जरूरी नहीं है कि उसकी बीएचपी और पावर हर चीज सेम होगी। हो सकता है उनके आरपीएम भी अलग अलग चलते हो सकता है उनकी स्पीड अलग अलग हो सकता है उनकी पावर, तो मैंने आपको बताई दी एग्जाम्पल में कि पावर भी अलग होती है और टॉर्क भी अलग होता है, तो ऐसा होता है। जैसे बात करें छोटे और बड़े इंजन की, तो आपको सबसे अगर आसान में उसमें समझाऊं तो लेके चलते हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर होती है ना, फॉर्च्यूनर आपको सभी को पता है बहुत ही फेमस कार है, तो फॉर्च्यूनर और ट्रक के बीच में अगर कंपैरिजन करें दोनों के इंजन में क्या फर्क है और छोटे और बड़े इंजन में क्या क्या फर्क आ जाता है, तो उसकी अगर बात करें तो देखो फॉर्च्यूनर में आपको 2.7 लीटर का आपको डीजल इंजन मिल जाता है, जहां पे आपको पावर कितनी मिलती है 200 बीएचपी और 500 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है। वहीं पे मैंने अगर एक ट्रक के बारे में पढ़ा था, आप भी अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे एक ट्रक की स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, तो नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, आपको स्पेसिफिकेशंस नॉर्मली ट्रक की मिलेंगी, उनका आपको लगता होगा उनका बहुत ज्यादा सीसी का इंजन होता है, 8-10 हजार सीसी का, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल ट्रक का भी सीसी इंजन कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार सीसी का होता है नॉर्मली ट्रक का। जैसे मैंने देखा था अशोक कंपनी का ट्रक, उसका 5000 सीसी का इंजन है, उसमें पावर कितनी प्रोड्यूस होती है 130-140 बीएचपी, और टॉर्क कितना होता है, टॉर्क उसमें होता है 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क, आप समझ रहे हो। तो आपने देखा कि जो ट्रक है ना उसका इंजन कितना बड़ा है, और फॉर्च्यूनर का इंजन ऑब्वियसली बात है उससे आधा ही है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि फॉर्च्यूनर और ट्रक की अगर रेस लगाई जाए तो फॉर्च्यूनर आगे निकल जाएगी और ट्रक पीछे रह जाएगा, या ऐसा ही क्यों है कि फॉर्च्यूनर जो है अगर उसमें आपको एक और ट्रक खींचने की बोल दिया जाए तो फॉर्च्यूनर थोड़ी ज्यादा उसको दम लगाना पड़ेगा, लेकिन ट्रक से ट्रक खींचने को बोल दिया जाए तो ट्रक तो बहुत आराम से कर लेगा। तो आप फर्क समझ रहे हो टॉर्क और बीएचपी का,
बीएसपी में अगर बीएसपी ज्यादा होगी कार की, कार में ऑब्वियसली बीएसपी ज्यादा होती है और ट्रक में ना टॉर्क हमेशा ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ट्रक को चाहिए होती है पुलिंग पावर, कि उसमें भाई लोड है बहुत ज्यादा, उसको सामान इधर से उधर करना है, तो उसमें उसको स्पीड की जरूरत नहीं है, उसको पुलिंग पावर की ज्यादा जरूरत है। और कार में क्या होता है कि उसमें पुलिंग पावर के साथ साथ उसमें स्पीड भी जरूरत होती है, क्योंकि उसमें लोग जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं इधर से उधर, तो वो ऑब्वियसली बात है वो 60 70 80 की स्पीड पे तो नहीं चल सकते। हो सकता है कभी कभार उससे ज्यादा भी चलानी हो, 100 चलानी हो, 100 से ज्यादा चलानी हो, तो उसकी वजह से उसका और जब भी उसकी ऑब्वियसली बात बीएसपी भी ज्यादा होगी तो उसका एक्सीलरेशन भी अच्छा होगा। इसकी वजह से ही आप जो है आराम से ओवरटेक कर पाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये था बीएसपी और टॉर्क के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।